पालघर जिले में अब तक पुजारी गैंग और भाई ठाकुर के नाम पर धमकी का मामला सामने आता था, परंतु एक फिरौती मामले को लेकर दाऊद की धमकी वाले मामले ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब ये झूठ है या सच, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। आपको बता दें कि अली जरार नामक व्यक्ति ने शहाउद्दीन शेख नामक व्यक्ति और उनके कुछ अन्य लोगों पर दाऊद के नाम पर 6 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप वालू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। हमारे नाम 7 बारापुर का रजिस्टर डॉक्यूमेंट है। हमारा कामन में गोडाउन है। 16/6 को कब्जा हुआ, उससे पहले 2-3 दिन पहले ये लोग आए थे मेरे पास और बोले कि ये आपका 10 करोड़ का नुकसान होने वाला है। अगर आप 20% दोगे, 2 करोड़ रुपया दोगे तो आपका नुकसान से बच जाएगा। मैं नहीं सोच पाता कि मेरा क्या नुकसान होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है। मैं बोला मेरा चीज़ क्या नुकसान होने वाला है, बोलते वो मैं बाद में बताऊंगा, ये गारंटी है। ऐसा किसने बताया था? कुछ नहीं बताया। मैं बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं देता, जाओ। तभी ये लोगों ने 16 तारीख को कुंडा लेकर के आकर के कब्जा किया। मैं सोया हुआ था, रोज़ा का महीना था, तभी हमको कोई बोलता है कि इधर आओ, मन नहीं काट के फेंक देंगे। 17 तारीख को ये लोग मेरे यहाँ पहुँचता है और बोलता है कि अगर अभी भी सेटलमेंट करोगे तो तुम्हारा गोडाउन तुमको वापस हो जाएगा। मैं बोला आप क्या वापस हो जाएगा, अब तो हम पुलिस में जाएगा। हम पुलिस में आए, हजारे साहब से मिले। हजारे साहब ने सब इंक्वायरी करने के बाद में उन्होंने गुनाह दाखिल किया। गुनाह दाखिल हुआ, ये लोग अरेस्ट हुए, जमानत लिए। जब से ये लोग वाया धमकी देते हैं कि अगर आप गुनाह वापस नहीं लोगे तो टुकड़े कर देगा, गुनाह वापस नहीं लोगे तो टुकड़े कर देगा। उसके बाद कुछ दिन चलता रहा, अब तो आते नहीं, कोर्ट में मुझे आना रहता है तो ये कभी कभी इधर उधर खड़े रहते, देखते रहते। एक दो बार अटैक हुआ कि आप केस वापस लोगे या नहीं लोगे। मैं बोला मैं केस वापस नहीं लेगा। सर उन्होंने ऐसा भी आरोप किया, उन्होंने आपको 3 करोड़ रुपया दिया है। वही जो उन्होंने दिया वो पीछे का जगह मेरा आदमी का आदर है, उसका जगह हमने लिया था, हमने उसके औरत के नाम लिया था, वो हमने रजिस्ट्री करके दिया है। 7/12 भरनी बाउंड्री सब करके दिया है। 1 करोड़ रुपया का इन्होंने मेरे को प्रेशर दे करके 1.5 करोड़ रुपए का 1 साल का टाइम लेकर के एग्रीमेंट किया है। मतलब आप कहना चाहते हैं वो जगह, उस जगह का डीलिंग नहीं होती, जगह आप मैटर, हाँ उस जगह का, हाँ 1 करोड़ रुपया इनका था। उसके लिए मेरे को इन्होंने प्रेशर देके, दबाव देके, इधर उधर से फोन करा करके 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट मुझसे लिया है। एक दिन मेरे ऑफिस पे आते हैं, 2 पटना फाड़ के लेके जाते हैं, बोलते अब हम देख लेगा क्या करने का है। उसके बाद हाईपे का जगह मेरा पे, मैं उधर से कोर्ट में जा रहा था सितंबर के महीने में, तो देखे तो 10-12 लोग खड़ा है। वहीं इस मामले को झुठलाते हुए शहाउद्दीन ने इस मामले में मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनका दाऊद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने अली जरार से जमीन का सौदा किया था, जो कि अली ने कोर्ट कागज बनाकर नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज किया है। जमीन और पैसा दोनों ही ना देने के नियत से अली जरार ने हम पर झूठा मामला दर्ज किया है। हालांकि दाऊद के इस मामले में पुलिस 3 माह से अब तक कोई सबूत नहीं जुटा, परंतु जमीन के मामले में पुलिस की रुचि बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस उस विवादित जगह पर हमला मचाने के लिए कभी भी पहुँच जाती है, जो CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है। पेश है वसई किया खास रिपोर्ट। उस गुनाह में ऐसा हुआ था कि जो सामने वाली पार्टी है, जिन पे कंप्लेन है, उन्होंने इनको बोला था कि 5 करोड़ दाऊद के लिए चाहिए और 1 करोड़ उनको चाहिए, तो उसका एक्सट्रॉशन की डिमांड की थी और धमकी दी थी इनको, तो उस पर केस दाखिल हुआ था और उस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और हमने कई सारे विटनेसेस और केस स्टेटमेंट्स लिए हैं। इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैं अभी आपको एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन पूरा डिस्कस, अभी इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चालू है तो मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता। हमारे पास अगर कंप्लेन आएगी तो अकॉर्डिंगली हम गुनाह रजिस्टर करेंगे, तो अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं आया है। अगर आया तो उसमें जैसा फैक्ट है उसके बेसिस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास जो कंप्लेन आएगी हम फैक्ट बेसिस पर कार्रवाई करेंगे और जो फैक्ट है उसी के बेसिस पर कार्रवाई करेंगे। उसमें थोड़ी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो किसके कैसे हैं, उसमें वेरिफिकेशन में थोड़ी इंक्वायरी हुई थी। नहीं,
नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारे पास जो क्राइम दाखिल हुआ है हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके लिए जो है ना, ये हमको जो है ना बदनाम करने के लिए, हमारे को डराने के लिए और हमारे को यानी वो इस जमीन से हटने के लिए वो हमारे ऊपर ये सारे इल्जाम लगा रहा है। हमारा जो है ना दाऊद के साथ ना कोई लिंक है और ना ही कोई भी जिसे जो लोग यानी क्रिमिनल है या अंडरवर्ल्ड है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग जो है ना सीधे साधे लोग हैं, हमारा कभी भी कोई ताल्लुक उनसे ना रहा। और हमारे जो पैसे जो हमने उसको दिए, यानी जो 2,40,00,000 रुपया जमीन के एवज, वो जमीन का पोजीशन हमारे पास है, उसने खुद दिया है। और वो जो है ना अभी वो हमारे को वो पोजीशन डिस्टर्ब करने के लिए वो पुलिस की मदद ले रहा है और हमारे ऊपर ये सारे झूठे इल्जाम लगा रहा है। और हमको जो है ना उसने बहुत बदनाम कर दिया है। और अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम तो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के साथ हम उम्मीद लगाए हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारे साथ में जो उसने धोखाधड़ी की है, पैसे लेकर जो हमको जो है ना इतना यानी इतना तंग किया है, झूठ बोल बोल के हमेशा उसने, जब भी आए हम आपको कन्विंस दे रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम जाते हैं वो कभी भी उसने जो है ना हमको पेपर बना के नहीं दिया है। और उसके जितने भी पैसे हमने दिए हैं, हमारे पास उसके सारे प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। उसने ये भी कहा है कि वो उस पैसे के एवज में हमको जमीन दे दी है, वो झूठ बोलता है। हमने वो जमीन उससे ली नहीं है, हमने वो जमीन ली है सबीना अब्दुल कादर, जिसका जो अब्दुल कादर इसका पार्टनर था, उसके पास से हमने जमीन ली है। और वो हमारे को ये कह रहा है कि हमने वो पैसे उस जमीन के लिए, लेकिन हमने उस जमीन का पैसा सबीना अब्दुल कादर को भी दिया है। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और वो सारी बातें जो है ना वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन ये जो दूसरी जमीन जो है 38, 39 और 36, ये प्लॉट का जो है ना उसने जो हमको वादा किया था, अब वो जो है ना उसको देने के लिए मुकर रहा है। और उसके लिए हमको वहां से हमारा पोजीशन छुड़ाने के लिए वो पुलिस की हेल्प ले रहा है और पुलिस के जरिए हमको जो है ना वहां पर यानी उस जगह छुड़वाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, डेमोलिशन करना जो भी करना है। लेकिन यहाँ पर पुलिस हमको ये कह रही है कि तुमने इलीगल किया है, तुमने इलीगल किया है। कन्वेंस नहीं दिया उसने, पोजीशन हमारा बहुत पुराना है और हमने कोर्ट में हमारा दावा चल रहा है। अभी जो भी फैसला कोर्ट का होगा, अगर कोर्ट कल कहेगी कि नहीं तुम्हारा ये पोजीशन इलीगल है, तो हम जो है ना वो जगह से हट जाएंगे। हमारे को कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है, हम जो भी फैसला होगा कोर्ट का और उसके ऊपर जो है ना हम उसका पालन करेंगे। पोजीशन तो अभी वो यानी जैसे 2-3 साल हो गया है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर कुछ किया नहीं। जब हमको मालूम पड़ रहा है कि ये दूसरे लोगों को बुला बुला के बेचने की कोशिश कर रहा है, और मेरे को ये खबर मिली है कि ये बेच बाज के निकल जाएगा और मेरा पैसा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमने कहते हैं कि आप जो है ना जमीन का डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जमीन का डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। मैं उनको जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पेमेंट के शो कर रहा हूं तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस वो एक ही बात करते हैं। अब मेरे को मालूम नहीं है कि वो क्या उनका क्या हुआ नहीं कोर्ट उनका, हम जब हम कोर्ट में गए तो उनका क्या इंटरेस्ट है उस पर, तो ये जो है ना अभी मेरी समझ में